नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। तमाम विरोध के बाद पूरे देश में आज पठान फिल्म ने रिलीज होते ही धमाका कर दिया। थिएटरों में जमकर भीड़ उमड़ी। हमारी टीम ने भी कई जगह दौरा किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 25 जनवरी को बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान पूरे देश के साथ रीवा में भी रिलीज हुई। रोमांस, एक्शन, इमोशन से भरपूर फिल्म पठान ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। शाहरुख की 4 साल बाद पर्दे पर धमाकेदार वापसी एक्शन के साथ हुई, जिसमें दीपिका जॉन अब्राहम के साथ फिल्म के दूसरे हाफ में सलमान खान ने फिल्म में जान डाली। मैं आज आपको पठान को लेकर पठान के पास चलूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा पठान में आखिर है खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, आज 25 जनवरी शाहरुख खान की फिल्म दीपिका की पठान रिलीज हुई है। इस फिल्म को लेकर मैं तमाम लोगों से बातचीत करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा पठान में आखिर ऐसा क्या था जिसको लेकर इतना विवाद था, और पठान में दर्शकों ने कितना प्यार दिया, किस तरीके से यहां लोगों ने पठान को देखा, परखा, जाना, समझा। मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं और आपको दिखाता हूं पठान की रीवा में क्या है स्थिति। जिस तरीके से पठान फिल्म के चर्चे हो रहे थे, आज पठान रिलीज हो गई है। मैं यही जानने समझने के लिए संबरिया मल्टीप्लेक्स आया हूं। मैं लोगों से बातचीत करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा किस तरीके से माहौल है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। मैं कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यशराज फिल्म की एक बैनर लगा हुआ है, पठान फिल्म का बैनर लगा हुआ है। आज बात इसको लेकर होगी। यहां तमाम लोग मौजूद है, मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। आप पठान देखने आए, क्या देखने आए पठान में? पठान मूवी देखने आए, शाहरुख खान को देखने आए हैं। बड़ा विरोध हो रहा पठान का? हमको विरोध से कोई मतलब नहीं है, मूवी अच्छी होगी तो बताएंगे जैसा रिव्यू होगा। अभी हम देखने आए हैं, मूवी अच्छी होगी तो हम जरूर बताएंगे कि पिक्चर में क्या बात है, क्या है क्या नहीं। क्या लग रहा है आपको पठान के बारे में? अभी तो देखेंगे पूरा, उसके बाद ही बता पाएंगे। आप पहले दिन शो देखने आए हैं, कुछ तो दिमाग में होगा? दिमाग में यही बस, फोकस रहे मूवी पे। मूवी देखने आया है, मैं तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इधर आइए, जरा आपसे ये बताइए कि जिस तरीके से पठान का विरोध हो रहा था, जब मैं थिएटर में आया तो यहाँ पर भारी भीड़ नजर आ रही है मुझको, तो क्या आपको लगता पठान का कुछ असर हुआ? देखिए, पब्लिक का जो व्यूज है वो आपने लिए होंगे, जो दर्शक सुबह से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, मैक्सिमम सुबह हमारे हाउसफुल जा रहे हैं, भीड़ अभी आप देख ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर बढ़िया है, अच्छा फैमिलियर भी है, और मेन चीज पिक्चर का जो उन्होंने स्टोरी थीम दिया है वो एक देशभक्ति रॉ एजेंट का, उसका एक जुनून दिखाया हुआ है कि अपने देश के लिए वो कैसा लड़ता है। पिक्चर बढ़िया है। तमाम जो विरोध हो रहे थे, जैसा कि मैं आपको एक बार स्क्रीन में फिर से पठान को दिखाने की कोशिश करूंगा, तमाम विरोध हो रहे थे, वो विरोध दरकिनार करते हुए पूरे देश ने आज पठान को जिस तरीके से ओपनिंग दी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं अपने दर्शकों को जो मुझको देख पा रहा हूं उनको बता दूं, 5,500 मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म रिलीज हुई थी, आज के रिव्यू देखने के बाद 3,000 और बढ़ा दिए गए, इसका मतलब अब ये 8,500 थिएटर में दिखाई जाएगी। इससे स्वयं अंदाजा लगा सकता है पठान की स्थिति क्या है। हम मैं मौजूद हूं रीवा के संबरिया मल्टीप्लेक्स में, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ फिल्म देख के आ रहे हैं, कुछ फिल्म देख के जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से बात करूंगा, पठान देखने आए हैं क्या है? मैं एसएस अधिवक्ता हूं, विजेंद्र रोका, यहां का मूल निवासी हूं। हमारी पूरी टीम, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद तनवीर, निशान शुक्ला जी, सलमान जी, समीर जी, हम लोग सिर्फ पठान पिक्चर आए हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, इस समय पूरे देश के अंदर जो माहौल है, हर चीज का एक बायकॉट गैंग विरोध करती है। हम देखना चाहते हैं कि सुपर स्टार की पिक्चर को बायकॉट गैंग करने का क्या मतलब है, जो एक नफरत का माहौल है उसको खत्म करने के लिए, हिंदू मुस्लिम तहजीब जिंदा रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और पिक्चर को पिक्चर की तरह देखना चाहिए, मैसेज देने आए हैं। आप सौंदर्य में देखने आए हैं सलमान की फिल्म में, आपका नाम भी सलमान? जी जी, जी। क्या सलमान के नाम से आए हैं या अपने नाम से? दोनों नाम से आए, शाहरुख खान, सलमान खान, दोनों नाम से।
और सौंदर्या में विशेष आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्राहक भगवान होता है। यहाँ का वातावरण और यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ के स्टाफ का जो मैनेजमेंट है वो ग्राहक के प्रति एक भगवान की तरह है, भक्ति की तरह है, इसलिए हम लोग सौंदर्या आते हैं। मौत करीबा में बहुत है, देख के निकली है। कैसा लगा फिल्म में, क्या अच्छा लगा? फिल्म तो बहुत अच्छा लगा, गाने बहुत अच्छे थे फिल्म के, शाहरुख खान को इतने साल बाद देख रहे तो बहुत अच्छा लगा। बिगेस्ट फैन हूं। ये माना जाए कि पठान की वापसी 4 साल बर्दाश्त खत्म हुआ? हाँ हाँ जरूर खत्म हुआ, मतलब पूरा थिएटर फुल था, एकदम से हाउसफुल था, और मतलब ब्लॉकबस्टर रहेगी फिल्म। फिल्म में क्या खास रहा? फिल्म में एक्शन बहुत अच्छा है, मतलब शाहरुख खान की स्टाइल, उसने क्या उसकी अभी लंबे हेयर्स, अब हमने बहुत टाइम बाद शाहरुख खान की मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। पिक्चर में क्या अच्छा लगा? पिक्चर में शाहरुख खान का लुक सबसे बढ़िया, जिस तरीके से विरोध हो रहा था कुछ नहीं सर, मूवी अच्छी है। हाँ, क्या कहा आपने? बहुत अच्छी मूवी है, हेटर्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सेकंड पार्ट आएगा, ये हम लोग को सबसे क्या हाँ क्या सबसे ज्यादा सल्लू भाई को सीन उसमें आया था, वो सबसे बेहतरीन था। लास्ट में कबीर कबीर देता है, मतलब तीनों ने कस्टम मिल जा पाए। क्या लगा फिल्म देख के? बहुत ही बढ़िया लगी, काफी अच्छा लगा। सलमान भाई की एंट्री जो थी वो काफी बेहतरीन थी, एक नंबर की फिल्म है, 4 स्टार मिलने चाहिए, पूरे स्टार मिलने चाहिए। लगातार यहाँ से फिल्म देख के लोग निकल रहे हैं, हम मैं बात करूंगा। कैसी लगी फिल्म, क्या रहा फिल्म में खास? बहुत अच्छी फिल्म थी। किसका रोल सबसे अच्छा लगा? पठान, शाहरुख खान। शाहरुख खान, बताइए फिल्म कैसी रही? बेस्ट। क्या अच्छा लगा फिल्म में? एक्शन बहुत अच्छा था, फिल्म बहुत अच्छी लगी। पिक्चर देख के निकले हैं, कैसी रही फिल्म? अच्छी। तो देखा आपने, रीवा में पठान रिलीज हुई सौंदर्या मल्टीप्लेक्स में। पठान ने क्या कारनामा किया है ये आपने देखा, जिस तरीके से दर्शकों ने इस फिल्म को सराहा, माना जा सकता है शाहरुख की ये फिल्म तमाम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ती हुई ब्लॉकबस्टर साबित होगी। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी पठान के आगे आने वाले दिनों में, किस तरीके से जनता होती है हम उसको भी दिखाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।